नमस्कार दोस्तों, पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं? ये झगड़े मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर पति पत्नी लड़ते क्यों हैं। एक हल्की फुल्की जो नोक झोंक होती है, तकरार होती है, ये तो चलती है, ये तो हर रिश्ते में होती है और होना भी चाहिए क्योंकि इससे तो प्यार भी बढ़ता है। पर वहीं अगर ये जो नोक झोंक है ये तकरार का रूप ले ले तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पति और पत्नी जो होते हैं ये एक रिश्ता ऐसा है जो ऊपर वाले ने खुद ने बनाया है। हम कौन होते हैं इसमें दरार डालने वाले? तो पति और पत्नी के बीच में जो झगड़ा होता है, इसे अगर आप दूर करना चाहते हैं, अगर आप परमानेंटली अपने पति और पत्नी के प्यार को वापस बनाना चाहते हैं, वापस पहले जैसा और हमेशा के लिए मेट फॉर ईच अदर रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए आपके साथ में शेयर करते हैं आखिर क्या है वो उपाय जिसको करके आप अपने रिश्ते को बहुत ही प्यार भरा बना सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये छोड़ दें, ये सोचना छोड़ दें कि आपके लिए सामने वाला बदलेगा। हमारे लिए कोई नहीं बदलेगा। अगर बदलना है तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, ठीक है? अपने आप को बदलें। हमारा ये जो लाइफ है, हमारे सामने जो हमारा पार्टनर है, जो एनर्जी हम हैं वही हमारा पार्टनर है, ठीक है? हम जितना भी डिफरेंस कर सकते हैं, जितना भी अंतर कर सकते हैं, वो हम में कर सकते हैं, सामने वाले पे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, हम अगर मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर में जो हमें इमेज दिख रही है उसमें अगर या तो कपड़े अव्यवस्थित हैं या फिर हम उस पे चेहरे पर दाग दिख रहा है या कुछ कर दिख रहा है, तो हमें अगर उसे साफ करना है या फिर उसे व्यवस्थित करना है तो किस में अंतर करना पड़ेगा? हमें अपने आप में, क्योंकि अगर हमारे मान लीजिए यहाँ पर कुछ लगा है तो हम कांच में उसे साफ नहीं कर सकते, हमें खुद पे से साफ करना होगा, ठीक है? तो यही चीज़ कि हमारे अगर जो रिश्ते हैं, ठीक है, तो ये उसी तरह से कि जो हम हैं वो कांच के बाहर खड़ी हुई इमेज है ना, वो हैं, और वो जो कांच के अंदर है वो हमारी परछाई है। तो रियल लाइफ में वो कौन है? हमारा पार्टनर है, वो हमारी ही परछाई है। जैसे हम हैं ना वैसे ही वो है। अगर हम अब उसमें अंतर करना चाहते हैं तो हमें अपने आप में अंतर करना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ को आपको उतारना पड़ेगा। पर यही जो लड़ाई का कारण है ना, वो यही है कि हम चाहते हैं सामने वाला बदले, हम चाहते हैं कि सामने वाला अपने आप को बदले, हम खुद को नहीं बदलना चाहते, हम उसे बदलना चाहते हैं, और यही कारण बनता है लड़ाई का, ठीक है? तो थोड़ा सा रिश्तों में अगर आप मिठास चाहते हैं तो अपने आप में अंतर कीजिए, सोचिए, देखिए, जानिए कि क्या वजह है आपकी लड़ाई की, उसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है? दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं रिश्ते में प्यार हो, सामने वाला आपसे प्यार करे, ठीक है, आप चाहते हैं आपका जो पार्टनर है, पति है या पत्नी है, जो भी है, वो आपको बहुत प्यार करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप खुद को प्यार करें, खुद का ध्यान रखें। हम लेडीज़ अगर आप हैं तो हमारा क्या होता है कि हम सबका ध्यान रखते हैं और खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। सबकी केयर करते हैं, खुद की केयर करना भूल जाते हैं। तो खुद की केयर करें, खुद का ध्यान रखें, खुद को इतना अप टू डेट रखें, व्यवस्थित रखें, खुद को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें, खुद से प्यार करें, ठीक है? जिस दिन हम खुद से प्यार करेंगे तो पूरी दुनिया हमसे प्यार करेगी और हमारा पार्टनर जो है ना वो तो हमारे बिना रह नहीं पाएगा। तो खुद का ध्यान रखना सीखें, खुद में खुश रहना सीखें, दुनिया के जाय भाड़ में, ठीक है, खुद को खुश रखें, सेल्फिश ना बने, ठीक है? मेन चीज़ है खुद को खुश रखने में, खुद का ध्यान रखने में, ऐसा ना हो कि हम किसी और का नुकसान करें। काम वो करें जिसमें खुद का भला हो, और खुद का भला हो पर किसी का नुकसान ना हो, ऐसे काम करें, और जिससे हम खुश रहते हों वो काम करें, ठीक है? अपने आप को खुश रखने के लिए वो सब काम करें जिससे आप खुश होते हो, पर वो काम ना करें कि जिससे दूसरे दुखी होते हो, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखें। जिस दिन हम अपने आप को प्यार से भर देंगे, हमारे अंदर बहुत सारा प्यार होगा, हम प्यारे प्यारे प्यार 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 हमारे अंदर पूरी तरह से प्यार भरा होगा, तो हमें प्यार ही मिलेगा। जो चीज़ हमारे पास है ना वही हमें मिलती है। अगर हम अपने आप को दुखी रखेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, अगर हम टेंशन में रहेंगे तो टेंशन ही मिलेगा। इसलिए खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान रखें, तो दुनिया हमसे प्यार करेगी, दुनिया हमारा ध्यान रखेगी। ये बात आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि अगर हम किसी और में बदलाव करना चाहते हैं तो पहले खुद में बदलाव करें, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा फॉलो होती है पति और पत्नी में, कि पति से अगर आप चाहते हैं कि वो आपका प्यार करे, वो आपसे
बिल्कुल जुड़ा रहे, तो आपको पहले अपने आप से प्यार करना होगा, ठीक है। सामने वाले के पीछे भागना छोड़ दें, उसके पीछे आप ना भागे, आप तो सिर्फ अपने पीछे भागे, वो आपके पीछे भागेगा। ये बहुत ही मायने रखता है। इस चीज की अगर गहराई आपने समझ ली तो रिश्तों में लड़ाई झगड़े कभी हो ही नहीं पाएंगे। जरूर आजमाइएगा, इस उपाय को करके देखिएगा। 21 दिन में मैं गारंटी देती हूँ, 21 दिन अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया तो 22वें दिन से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ चेंजिंग होंगे आपके 21 दिन अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया। करके जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रिजल्ट कैसा मिला। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। ई मीडिया वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, हम बनाते हैं क्रिएटिव, इफेक्टिव और प्रोफेशनल वेबसाइट्स। हमारी बनाई गई वेबसाइट्स कन्वर्ट करती है आपके वेबसाइट ट्रैफिक को नए कस्टमर्स में। तो आज ही कॉल करें 8109632936 या व्हाट्सएप करें 7999906109 पर। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.emediaweb.site।